आगमन का काल हमारे लिए तैयारी का समय है, जब हम आगामी क्रिसमस की तैयारी करते हैं। आज आगमन का दूसरा रविवार है। हमारी इच्छा होती है कि हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। हम पर हमारा यह अनुभव रहा है कि आदम के पाप का असर सारी मानव जाति पर है, इतना तक कि खुद पर भी हम इसका असर देख सकते हैं। इस कुप्रभाव से मुक्ति पाने के लिए एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। आज का पहला पाठ एक भविष्यवाणी की याद दिलाता है, जहां नबी इसायस उस युग की बात करते हैं जब जानवरों के बीच पूर्ण शांति का वातावरण व संबंध रहेगा, हर तरह के भेदभाव मिट जाएंगे, इतना तक कि सांप और बालक एक साथ खेलेंगे, शेर और बैल एक साथ खाएंगे, रीछ और गाय एक साथ चरेंगे। यह संभव होगा जब दुनिया प्रभु की ओर फिरेगी और ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण होगी। यह सब मसीह के आगमन से पूरा होगा, जो यस्से की टहनी से उत्पन्न होंगे। मसीह कलिसिया में उपस्थित हैं और सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए एक आशा है। कलिसिया के माध्यम से यीशु आज भी अपने मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आज का सुसमाचार यह कहता है कि उसी मुक्तिदाता के आगमन की तैयारी में योहन बपतिस्ता लोगों को पाप क्षमा का उपदेश देते हैं। उनकी आवाज निर्जन प्रदेश में गूंजती है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। उनकी आवाज लोगों के दिलों को स्पर्श करती है और लोग शांति पाने के लिए उस निर्जन प्रदेश में उसके पास आते हैं। आज भी कई तरह की आवाजें गूंजती हैं, हमारे कानों में सुनाई पड़ती हैं। उन तमाम आवाजों के बीच प्रभु की आवाज को सुन पाना इस आगमन काल की मुख्य विशेषता होगी। इसके लिए भी एकांत में ध्यान लगाने की जरूरत है, ताकि प्रभु की आवाज को हम सुन पाएं। इसके लिए हमारे हृदय द्वार को खुला रखने की जरूरत है। आज का सुसमाचार दो मुख्य बातों पर बल देता है, हृदय परिवर्तन और अच्छे फल उत्पन्न करना। हृदय परिवर्तन के लिए पाप क्षमा और नए मनोभाव की आवश्यकता है। वास्तव में आगमन नई शुरुआत करने और अंधकार से उजाले में आने का समय है, ताकि हमारा जीवन मुक्तिदाता के अनुरूप हो सके। अच्छे फल उत्पन्न करने के लिए मसीह पर हमारे विश्वास को सुदृढ़ बनाने और उदारता के कार्यों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि पूरी दुनिया को हम यह बतला सके कि प्रभु ही वह मुक्तिदाता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में निवेदन करते हैं कि जिस तरह ईश्वर ने सबको अपनाया और उनकी कृपा सबके लिए है, उसी तरह हम भी आपसी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को सहन करना सीखें, ताकि ईश्वर की महिमा सब पर और सबके लिए प्रकट हो। आगमन का यह काल हमारे लिए ईश्वरीय शांति और कृपा पाने का समय बने।
जय जीसू।